हेलो रिवान वेलकम टू फार्मर ऑक्स यूट्यूब चैनल फार्मर ऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे सीजोफ्रेनिया के बारे में सीजोफ्रेनिया की जो एक साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है ऐसी बीमारी या फिर ऐसा विकार कि जो आपके मेंटल हेल्थ रिलेटेड है कि जिसको हिंदी में विखंडित मानसिकता भी कहा जाता है तो ये डिसऑर्डर होने के जो कारण है उसके क्या लक्षण होते हैं मतलब कि साइन एंड सिम्टम्स और किस तरह से उसका इलाज होता है ट्रीटमेंट होती है वो सब सीखेंगे हम ये वीडियो लेक्चर में तो सीजोफ्रेनिया के कोजिस साइन एंड सिम्टम किस तरह से उसका डायग्नोसिस होता है और कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है ये डिसीज को मैनेज किया जाता है ये सभी को हम सीखेंगे ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में एक्सपर्ट लेक्चर बाय सर असिटेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ़ फार्मर थैंक यू फॉर बी इन वन लैक फैमिली ऑफ फार्मर अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड द वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मर अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो डाउनलोड कर सकते है ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लिंक हमने डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे दी है तो सबसे पहले समझिए डेफिनेशन के बारे में अबाउट द सीजोफ्रेनिया तो इट इज ए सीरियस मेंटल डिसऑर्डर इन विच पीपल इंटरप्रेट रियलिटी एबनॉर्मली मतलब कि यहां पे जो सीजोफ्रेनिया की जो मानसिक विकारता हम कहते हैं मेंटल हेल्थ रिलेटेड डिसऑर्डर कहते हैं तो उसके अंदर जो मेन एक कॉम्प्लिकेशन है कि जिसको ये सीजोफ्रेनिया का जो पेशेंट होता है कि इंटरप्रेट द रियलिटी एब रियलिटी एबनॉर्मली मतलब कि जो भी एक्चुअल में जो कुछ उसके आसपास जो हो रहा है उसके अंदर कई बार इमेजिनेशंस होते हैं और एबनॉर्मली वो रियलिटी को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं वो लोग जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पर्सन है वो उस तरह के इमेजिनेशंस करता है कि वो एक्चुअल में शायद वो एग्जिस्ट ना हो कि जिसको हम कहते हैं कि कई बार ऐसे भ्रम वगैरह होना तो सीजोफ्रेनिया में रिजल्ट इन सम कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्यूसिनेशंस डेल्यूसंस एंड एक्सट्रीमली डिसऑर्डर थिंकिंग एंड बिहेवियर दैट इंपेयरस द डेली फंक्शनिंग एंड कैन बी डिसेबलिंग मतलब कि आप अपना माइंड सेट ऐसा कर देते हैं या फिर जो पेशेंट होता है अपना माइंड सेट ऐसा कर देते हैं कि जिससे उसके डेली रूटीन के ऊपर फ़र्क पड़ता है और जो डेली जो फंक्शंस करते हैं आप जो आपका काम होता है उस पर काफ़ी असर पड़ता है और उसके जो रीजन्स होते हैं कि हेल्यूसिनेसन जो है वो होता है पेशेंट को डेल्यूसन्स होते हैं तो वो जानते हैं वो सब क्या है तो यहाँ पे समझिए कि सीजोफ्रेनिया इज़ ए साइकोसिस अ टाइप ऑफ मेंटल इलनेस कैरेक्टराइज बाय द डिस्टोरसन इन थिंकिंग थिंकिंग का डिस्टोरसंस होना ऑल्सो अबाउट द परसेप्सन इमोशंस लैंग्वेज सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिहेवियर कि मतलब कि जो भी पर्सन है उसका जो थिंकिंग है परसेप्सन है इमोशंस वगैरह जो है वो काफ़ी चेंज हो जाते हैं एंड पीपल विथ स्रीजोफेनिया ऑफन हैव ए प्रॉब्लम डूइंग वेल इन सोसाइटी एट वर्क एट स्कूल एंड इन ए रिलेशनशिप मतलब कि ये पर्सन का जो बिहेवियर इस तरह से चेंज होता है कि जिसके कारण जो समझो कि वो एज अ स्टूडेंट लाइफ के अंदर है और स्कूल या कॉलेजेस वगैरह जाना पड़ता है तो वो काफ़ी डिस्टर्ब होगा उसका एज वेल एज सोसाइटी के अंदर अपने वर्क प्लेस पर के अगर समझो कि वो वर्किंग पर्सन है और उसके जो रिलेशनशिप है सभी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो ये होने के कोजिज़ क्या है सबसे पहले तो कि सीजोफेनिया के जो काज़ हम समझे तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स है जीनेटिक है साइकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स वगैरह उसके अंदर इंक्लूड होते हैं कैन मेक ए पर्सन मोर लाइकली टू डेवलप दिस कंडीशन की जैसे कि यहाँ पे देखो एक जीनेटिक फैक्टर्स दिखाया है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द ब्रेन प्रीवियस ड्रग यूज एनवायरमेंटल रेस तो ये सब उसके कोजेज बनते हैं एंड सम पीपल में बी प्रोन टू सीजोफेनिया एंड अ स्ट्रेसफुल और इमोशनल लाइफ इवेंट माई ट्रिगरे साइकोटिक एपिसोड्स मतलब कि जो सीजोफेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी ये कंडीशन समझिए कि और ज़्यादा लंबी चलती है तो उनके लाइफ के अंदर जो एक ऐसा एन्वायरमेंट प्रोड्यूस हो जाता है कि जो काफ़ी स्ट्रेसफुल है साथों साथ जो इमोशनल्स जो हम कहते हैं और मेंटल हेल्थ रिलेटेड और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके प्रोड्यूस होते हैं तो उसके सिम्टम्स आप अच्छे से समझिए कि स्रीजोफेनिया में एक्चुअल में होता क्या है तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट लिखा है कि जो पर्सन को सीज्रोफेनिया हुआ है तो वो फील करता है हेलुसिनेशंस अबाउट द हियरिंग सीइंग और फीलिंग थिंग्स आर नॉट देर उसका मतलब समझिए तो काफी आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हेल्यूसिनेशन मतलब कि सिंपली आप हिंदी में देखो तो हिंदी में उसके लिए वर्ड है दृष्टि भ्रम होना या फिर मति भ्रम ऐसी बातें देखना या सुनना जो वस्तुतः है ही नहीं कि कई बार जो पर्सन है वो ऐसी आवाजें सुन लेता है कि देखो यहाँ पे लिखा है कि हियरिंग द वॉइस तो कई बार ऐसी आवाज सुन लेता है कि जो एक्चुअल में वो एग्जिस्ट ही नहीं करती फिर ऐसे हेल्यूसिनेशन होते हैं उसको ऐसी दृष्टि भ्रम होती है या फिर मति भ्रम होती है कि ऐसा देखता है ऐसा वो इमेजिन करता है या फिर ऐसा सुनता है कि जो वस्तुतः ऐसी चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है फिर लेक ऑफ इमोशंस यहाँ पे जो लिखा है कि इमोशंस उसके अंदर कम हो जाना फीलिंग ऑफ बीइंग बीइंगस्पेक्टेड मतलब कि उस तरह से फील करना कि जैसे पर्सन जो है वो काफ़ी साय जैसा फील करता है साथ, साथ वो पर्सन ऐसा फील करता है कि उसके ऊपर कोई ऐसे अत्याचार हो रहे हैं तो उसके कारण क्या होता है कि वो ऐसा फील करता है कि उसको कोई एक्सटर्नली कोई उसको कंट्रोल कर रहा है फिर डेल्यूशंस ऑफ फॉल्स बिलीव मतलब कि उसको भ्रम होते हैं भ्राती होती है कि जो एक्चुअल में वो से कुछ होता ही नहीं और यहाँ पे देखिए ये एक पॉइंट के बेजले बेजलेस फियर बेजलेस फियर कि एक्चुअल में जो चीज़ ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं है ऐसी चीज़ों से डर महसूस करना ऐसी चीज़ों का सुनाई देना ऐसी चीज़ों को देखना और साथ में यह सभी का जब कॉम्बिनेशन होता है तब तो पर्सन ऐसा फील करता है कि परसेक्यूटेड मतलब कि उसको उसके ऊपर ऐसा कोई अत्याचार हो रहा है ऐसा उसको लग रहा है साथ साथ जो शर्म आती हो साय फील करना ऐसा भी कई बार फील होता है कि जब वो पर्सन सोसाइटी के अंदर जाता है काफ़ी लोगों के बीच में होता है तो उसके कारण उसका जो पर्स बिहेवियर है वो काफ़ी एबनॉर्मल आपको देखने को मिलता है डिसऑर्गेनाइज स्पीच स्पीच में काफ़ी जो है वो अल्टरनेस हो जाते हैं चेंज होते है, जैसे कि डिसऑर्गेनाइज प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं बट डिसऑर्गेनाइज अच्छे से वो अपना सेंटेंस ही नहीं बोल पाते कई बार फिर डिस्टर्बेंस ऑफ द इमोशंस तो ये सब मेन सिम्टम्स डेवलप होते हैं स्रीजोफ्रेनिया के अंदर तो ये होने के हम कारण समझे कि पैथोफिजियोलॉजी ये डिसीज होने के पीछे तो जैसे हमने देखा कि जो जीनेटिक फैक्टर्स है तो जीनेटिक एक फैक्टर अफेक्ट करता है सेम लाइक दैट एनवायरमेंटल सोशियल एंड जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है वो सब कंबाइन होकर क्या करते हैं कि न्यूरो डेवलपमेंटल एबनॉर्मिलिटीज एंड टारगेट फीचर्स कि जो आपने के न्यूरोन्स है और उसके अंदर भी आप यहाँ पे देखिए ये वर्ड एक मेन है इसके अंदर कि डिसरेग्युलेसन ऑफ मल्टीपल पाथवेज इन इट्स पैथोफिजियोलॉजी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके ब्रेन है तो ब्रेन के अंदर जो हमारे केमिकल्स है कि जैसे कि डोपामाइन होता है तो उसके रिलेटेड जो पूरी सिस्टम है पाथवे के डोपामाइनर्जिक ग्लूटामेटर्जिक एंड गाबा अर्जिक न्यूरो ट्रांसमीटर सिस्टम आर अफेक्टेड इन स्रीजोफेनिया तो यहाँ पे जो बात है कि एबनॉर्मलिटीज की ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं कि न्यूरोडेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी तो ये ऐसी बात कर रहा है कि नीचे वाले पॉइंट में आपको समझ में आएगा कि इम प्रॉपर बैलेंस ऑफ द केमिकल्स एंड ब्रेन डाई फंक्सन तो उसके का मतलब ये है कि जो डिसरेगुलेशन की यहाँ पे जो बात की हुई है कि डिसरेगुलेशन ऑफ मल्टीपल पाथवेज़ इट्स पैथोफिजियोलॉजी तो ये मल्टीपल पाथवेज़ कौन से हैं तो ऐसे केमिकल हमारे ब्रेन के कि जिनका बैलेंस होना जरूरी है नॉर्मल बिहेवियर के लिए और ये केमिकल्स के अंदर समझो कि इम्बैलेंस हो जाता है उनके लेवल के अंदर कि जैसे डोपामाइन का लेवल है गाबा का लेवल है ग्लूटामेटवर्क का लेवल है तो ये जो सब न्यूरो से है ये न्यूरो के जो प्रॉपर बैलेंस होता है वो इम्बैलेंस हो जाना ब्रेन का डाईफंक्सन होना और दूसरे वर्ड में डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण आगे जाके जो इम्बैलेंस होता है ये सब केमिकल्स के अंदर और ये केमिकल आपको याद रखना है ये डोपामाइन ग्लूटामेट गाबा वगैरह और इनके इम्बैलेंस के कारण जो मेंटल हेल्थ कंडीशन प्रसन्न की प्रोड्यूस होती है और जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो कंडीशन को हम कहते हैं स्रीजोफ्रेनिया तो आगे जो हमने कोजिस के अंदर देखा कि जीनेटिक फैक्टर एक अफेक्ट करता है एनवायरमेंटल फैक्टर है सोशियल साइकोलॉजिकल फैक्टर ये सभी कंबाइनेसन होके या फिर इंडिविजुअली भी किसी फैक्टर के कारण आगे जाके ये ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स का इम्बैलेंस हो सकता है और ये ही मेन पैथोफिजियोलॉजी है बिहाइंड दिस स्रीजोफेनिया तो आगे समझते हैं कि उसका डायग्नोसिस कैसे होगा तो सरीजोफेनिया का जो डायग्नोसिस है वो पहले तो साइन एंड सिम्टम्स के बेसिस पे ही हो जाएगा कि जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अ डायग्नोसिस ऑफ ए सीजोफेनिया इज मेड इफ ए पर्सन हैज ए टू और मोर कोर सिम्टम्स वन ऑफ विच मस्ट बी हेल्यूसिनेशन अब समझो कि पेशेंट का जब काउंसलिंग होता है तो उस वक्त जब उसके साथ जो मेडिकल हिस्ट्री समझो कि उसकी निकाली जाती है उसके साथ काउंसलिंग होता है टॉक थेरापी वगैरह होती है तो उस वक्त उसके जो सिमटम्स से है कि समझो कि आपको उस वक्त उसके काउंसलिंग के दौरान पता चला कि वो हेलुसिनेशंस उसके अंदर है डैल्यूसन्स वगैरह है कि जो भ्रम रहता है ब्राती वगैरह रहती है फिर उसकी जो स्पीच है वो डीऑर्गेनाइज है सॉरी डिसऑर्गेनाइज स्पीच है और वो सब चल रहा है फ्रॉम एटलीस्ट लास्ट वन मंथ तो ये सब सिम्टम्स के बेसिस पे कंफर्म होगा कि ये जो पेशेंट है वो सीजोफेनिया डिसऑर्डर है उसको और आगे जाके और उसके दूसरे भी डायग्नोस्टिक इवेल्यूशन किए जाते हैं तो मेन कि अदर कोर सिम्टम आर ग्रोस डिसऑर्गेनाइजेशन एंड डीमिनिस्ड इमोशनल एक्सप्रेशन कि जो उसके इमोशनल एम एक्सप्रेशन का है उससे भी पता चलता है और ज़्यादा कन्फर्मेटिव टेस्ट करने हैं तो जो स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह होते जैसे कि ये जो केमिकल्स के जो इम्बैलेंस वगैरह को चेक करने के लिए जो है एम आर आई और सी टी स्कैन जैसे भी डायग्नोस्टिक टूल जो है वो यूज किए जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है आप देखिए कि टेस्ट एंड स्क्रीनिंग्स तो दिस में इंक्लूड द दे टेस्ट दैट हेल्प द रूल आउट द कंडीशन विथ सिमिलर सिम्टम्स एंड स्क्रीनिंग फॉर अल्कोहल एंड ड्रग्स तो जो कुछ ऐसे भी टेस्ट जैसे कि समझो कि ब्लड टेस्ट किया जाता है यूरिन टेस्ट ऐसे टेस्ट भी करके स्क्रीनिंग किया जाता है कि कोई मेडिकेशंस या फिर अल्कोहल के कारण तो ऐसा नहीं हो रहा है और आगे जाके प्रॉपर इमेजिंग स्टडीज के लिए एम आर आई एंड सी स्कैन जो है वो परफॉर्म किया जाता है एज अ डायग्नोसिस ऑफ ए सीजोफेनिया अब बात करते हैं उसके मैनेजमेंट की तो अब यहाँ पे समझिए ये जो डिसीज है वो मैनेज कैसे होती है तो सबसे पहले तो जरूरी है जो भी पर्सन है लाइक यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं कि जो साइकियाट्रिस्ट जो है वो इस टाइप के जो पेशेंट है उनका जब डाइग प्रॉपर उनके साथ काउंसलिंग करते हैं तो मेन जो बात है कि टॉक थेरापी सबसे पहले जरूरी है कि टॉक थेरापी से आपको जो मेन प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई होगा और उसी के बेसिस पे आप ये कंडीशन को क्या कर सकते हैं मैनेज तो ट्रीटमेंट विथ मेडिकेशन एंड साइकोसोशियल थेरापी कैन हेल्प एक तो साइकोथेरापी तो जरूरी है बट साथ सोशियल और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है उसके कारण यहाँ पे वर्ड लिखा है साइकोसोशियल थेरापी बिकॉज कई बार क्या होता है कि इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं उनको जितना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड मिलता है फैमिली सपोर्ट जितना मिलता है जिसके कारण ये जो है उनके फास्ट रिकवरी जो है वो देखने को मिलती है तो इसी के कारण जो हम बात करते हैं कि फैमिली के साथ साथ जो सोसाइटी है और उसी के कारण जो लिखा है कि सोशियल कि सोशियल थेरापी की जो ए, इस टाइप का जो पेशेंट है उसके साथ कोई मिसबिहेव ना करे कोई इसका मजाक ना उड़ाए या फिर ऐसी कंडीशन उसके सामने प्रोड्यूस ना करे कि जिससे उसकी बीमारी जो है वो और ज़्यादा खराब हो उसी लिए ज़रूरी है कि जो फैमिली का सपोर्ट सोशल सपोर्ट और साथों साथ जो साइकेट्रिस होते हैं वो तो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट तो उनका करते हैं कि मेडिकेशंस की जरूरत पड़े तो मेडिकेशंस, टॉक थेरापी से हो सकता है तो टॉक थेरापी और फैमिली केयर और साथों साथ जो सोशली जो उनका केयर जरूरी है तो उन सभी से ये सरजोफेनिया जो है वो ट्रीट और मैनेज हो सकता है और कई बार कंडीशन ऐसी हो तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज भी किया जाता है इन सम केसेस हॉस्पिटलाइजेशन में भी नीडेड कि आगे जाके समझो कि कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरेपी देनी है रिहेबिलिटेशन की जरूरत है तो उस वक्त हॉस्पिटलाइजेशन के बाद रिहेबिलिटेशन के लिए भी पेशेंट को जो है वो आगे फर्दर रेफर किया जाता है तो मेडिकेशंस आर द कॉर्नर स्टोन ऑफ रिजोफेनिया ट्रीटमेंट एंड एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन आर द मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जब पेशेंट को जरूरत पड़ती है तो एंटीसाइकोटिक्स जो है वो पॉपुलरली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं सीजोफेनिया की कंडीशन को मैनेज करने के लिए तो यहाँ पे समझिए कि स्रीजोफेनिया का मैनेजमेंट बेस्ड किस तरह से हो सकता है तो एक सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पर जरूरी है अच्छे से पेशेंट काउंसलिंग होना कि प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग होगा तो ही ये डिसीज का होगा डायग्नोसिस तो ये अब सबसे पहले जरूरी है कि पेशेंट काउंसलिंग से डायग्नोसिस बट आगे भी जैसे जैसे पेशेंट कितना रिकवर कर रहा है कैसे उसकी कंडीशन है तो जितना अच्छे से रेगुलरली उसका टाइम बाय टाइम पेशेंट काउंसलिंग होता जाएगा तो इम्प्रूवमेंट जो है वो काफ़ी जल्दी से होता है क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि पेशेंट कितना रिकवर हुआ है और आगे किस तरह के कि आप जो स्टेप्स ले सकते हैं कि जिससे और ज़्यादा उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी रहता है ट्रेनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर पर्सनल कि जो भी वो पेशेंट के केयर के साथ जुड़े हैं कि समझे कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया है या फिर रेगुलरली आप वहाँ पे उसको चेकअप के लिए ले जाते हैं तो उस वक्त जो भी उसके काउंसलर्स हैं जो भी उसको थेरापीज दे रहे हैं तो उनको उस तरह से प्रॉपर ट्रेन किए होने चाहिए कि जिससे प्रॉपर हेल्थ केयर जो है वो थेरापी उसको मिल सके फिर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एसेंशियल ड्रग आगे जाके मेडिकेशंस बट उससे पहले देखिए कि टॉक थेरापी इफ़ेक्टिव साबित होती है कि जितने उसके साथ बातचीत करके आप समझे कि प्रॉपर उसका मेन उसके अंदर रहा जो डर है उसके अंदर रहा जो कोई भय है वो आप दूर करते हैं कि जो सीजे के हमने सिम्टम्स की बात की तो हेल्यूसिनेशन सबसे टॉप पे है कि ऐसी चीजों का या फिर ऐसी आवाजें सुनकर ना कि जो एक्चुअल में अवेलेबल ही नहीं है तो जब आप उसको इस तरह से काउंसिल करते हैं कि पेशेंट जो है वो वो अपनी जो इमेजिनेशन वाली जो दुनिया है उसमें से धीरे धीरे बाहर आके जो अपना नॉर्मल रूटीन लाइफ जो है वो जीना स्टार्ट कर दे कि आप उसको ऐसे माहौल में ले जाए कि जहाँ पे जब वो इमेजिनेशन करते तो वो इमेजिनेशन उसके धीरे धीरे कम हो और एक्चुअल में जो उसके आसपास हो रहा है उसको वो महसूस करे तो वो टॉक थेरेपी से होता है साथ साथ जो हम बात करते हैं, तीसरी चीज कि हेल्दी एनवायरमेंट कि चाहे वो पर्सन हॉस्पिटललाइज होता तो उस वक्त हॉस्पिटल में भी हेल्दी एनवायरनमेंट अगर वो कहीं बाहर है तो सोशल भी उसको हेल्दी एनवायरनमेंट मिले और तीसरा कि समझो कि स्टूडेंट लाइफ में है तो स्कूल वग़ैरह में हो या फिर कॉलेज वगैरह में हो या फिर पर्सन जो है वो जॉब कर रहा हो या फिर किसी भी तरह से वो सोशली उसका जब कहाँ पे इन्वेलमेंट होता है तो उस वक्त उसको हेल्दी एनवायरनमेंट मिले से रिकवरी उसकी काफी फास्ट होगी और साथ ही साथ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हेल्दी एनवायरमेंट एट द होम कि होम केयर एक सबसे बेस्ट है कि जिससे सबसे फास्टर रिकवरी जो है वो होम केयर से हम करवा सकते हैं और साथ हो साथ जो सपोर्टिव केयर के लिए एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस तो प्रिस्क्राइब की ही जाती है कि प्रोवाइडिंग एक्सेस टू एसेंशियल ड्रग तो इस तरह से ये मैनेज हो सकता है अच्छे से तो दूसरे पॉइंट यहां पे देखते हैं कि सपोर्टिंग फैमिलीज इन प्रोवाइडिंग होम केयर की जो अभी ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि हेल्थी एनवायरमेंट के पॉइंट के अंदर कि जितनी अच्छे से होम केयर होती है सपोर्टिंग फैमिली होती है जितने फास्ट रिकर होते हैं फिर एजुकेटिंग द पीपल एंड पब्लिक टू डिक्रीज द स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन कि कई बार क्या होता है कि लोग इस टाइप के लोगों से दूर भागते हैं उनका बहिष्कार किया जाता है वो सब होता है तो पीपल लोगों को एजुकेट करना चाहिए और उसके कारण जो है वो धीरे धीरे उनका जो माइंड सेट है वो उस तरह से होगा कि एक हेल्दी एनवायरमेंट जब बात करें कि जो सोशियली हेल्दी एनवायरमेंट मिले इस टाइप के लोगों को तो जो एजुकेशनल प्रोग्राम होते कई बार ऐसे मूवीज वगैरह भी आते जैसे कि आपने नाम सुना होगा एक मूवी का कि कार्तिक कॉलिंग कार्तिक एक मूवी आया था तो वो आप जरूर से सर्च करना तो उसमें ये डिसेस के ऊपर ही ये ये पूरा मूवी है कार्तिक कॉलिंग कार्तिक तो उसमें भी ये जो पर्सन है वो किस तरह से प्रॉब्लम्स फेस करता है किस तरह से उसका जो है पूरा ए टू जेड जो ट्रीटमेंट किस तरह से होती है या फिर किस तरह से वो अपनी लाइफ जीता है वो सब वो मूवी के अंदर वहाँ पे भी दिखाया है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं कि जिसके अंदर मेन यह भी सब पॉइंट्स के ऊपर फोकस किया गया है कि जो कई बार सीजोफेनिया के जो पेशेंट जो कुछ परेशानी का फील करते हैं किस चाहे वो घर पे है या फिर कोई सोसाइटी में है कोई जॉब प्लेस पे है या फिर उनके रूटीन जो लाइफ के अंदर जो वो डिफ़िकल्टीज वगैरह फेस करते हैं वो सब वो मूवी के अंदर अच्छे से आपको दिखाया गया है तो वो भी आप एक चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट है कि एनहांसिंग द इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल थ्रू रिकवरी ओरिएंटेड साइकोसोशियल इंटरवेस जैसे कि लाइफ स्किल ट्रेनिंग सोशल स्किल ट्रेनिंग कॉग्नेटिव बिहेवियर थेरापी तो ये सब थेरापीज के कारण पेशेंट जो है वो धीरे धीरे अपना नॉर्मल लाइफ की ओर जो है वो बढ़ता है तो मेडिकेशंस की हम बात करें तो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाते हैं सरिजोफेनिया के अंदर और ये मेडिकेशन का, का काम यही होता है कि जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है और उसमें भी जो डोपामाइन वगैरह है उनको अच्छे से कंट्रोल करके उसका जो इम्बैलेंस है उसको फिर से बैलेंस करना एंड द गोल ऑफ ट्रीटमेंट विद एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन इज टू इफेक्टिवली मैनेज साइन एंड सिम्टम एट लोवेस्ट पॉसिबल डोज मतलब कि यह मेडिकेशन ऐसे नहीं कि हायर डोज में यूज करनी है ये हमेशा लोअर पॉसिबल डोज से ही स्टार्ट करनी है मतलब कि जितना पॉसिबल हो सके जितना आप लोअर डोज यूज करोगे उससे पेशेंट का ये जो है एडिक्शन भी कम हो जाएगा ये मेडिकेशन का कि उसको कोई एडिक्शन ना हो साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जिसके कारण लोवेस्ट पॉसिबल डोज़ का यहाँ पे जो जिक्र किया है उसी के अकॉर्डिंग टू जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट की जाती है और ये मेडिकेशन जो साइन एंड सिम्टम्स है वो धीरे धीरे काफ़ी कम करती है तो इसमें आप देखिए कि फ़र्स्ट जनरेशन जो एंटीसाइकोटिक्स है जैसे कि क्लोरप्रोमेजिन है फ्लूफेनाजिन है हेलोपेरिडोल एयर परफेनाजिन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरप्रोमेज़िन की जो 25 फाइव तो लोवेस्ट डोज उसका 25 फाइव से जब स्टार्ट हो तो भी अच्छे से रिकवरी जो है वो पेशेंट देता है फिर हेलोपेरिडोल के जो सिर्फ 5 एम की स्ट्रेंथ में भी टैबलेट्स आते हैं उसके साथ ही जो परफेनाजिन की जो टैबलेट्स है कि जिसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते सिर्फ चार एम का टैबलेट है और ये फ्लोफेनाजिन है उसका तो डोज आप देख सकते हैं कि सिर्फ वन मिलीग्राम का भी उसका डोज है तो जितना हो सके जो लोवेस्ट पॉसिबल डोज से जब स्टार्ट करते हैं ट्रीटमेंट तो आप उसकी जो साइड इफेक्ट है वो कर सकते हैं काफ़ी मिनिमाइज साइड इफेक्ट जितना रिड्यूस हो सके उतना मेन टारगेट रहता है किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर सेकंड जनरेशन में बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास जैसे कि एरी पिपराजोल है एसेना है ब्रेक्स पिपराजोन है कैरेप्राजिन है क्लोजेपिन है आइलोपेरिडोल है लुरासिडोन है ऑलेंजेपिन है पेलीपेरिडोन पेरिडोन क्विंटीएपिन है रेस एंड जिप्रासिडोन। तो ये सभी मेडिकेशन जैसे कि यहाँ पे एसेना के सबलिंगल्स टैबलेट है तो जिसकी स्ट्रेंथ रहती है सिर्फ टेन मिलीग्राम ऑल एनजे पाइन जो है उसकी जो स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं सिर्फ टू पॉइंट फाइव एम जी की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है एरी पिपराजोन है कि जो फिफ्टीन एम जी की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है एंड क्लोजे पिन की जो हंड्रेड मिलीग्राम है तो ये सेकेंड जनरेशन उनका भी सेम कि लोअर डोज से जितना भी हो सके वो पेशेंट को दिए जाते हैं फिर तीसरा ऑप्शन रहता है कि लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल हैं तो पेशेंट इस तरह की कंडीशन में है कि वो टैबलेट्स जो है वो नहीं ले सक रहा तो उस वक्त जो इंजेक्टेबल्स फॉर्म में भी ये मेडिकेशन अवेलेबल है तो लाइक एरीपिप्राजोल है तो उसका एबिली की जो एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन है आर एक्स ओनली प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिकेशन रहती है ये और फॉर इंट्रामस्क्यूलर यूज ओनली सो यूजली इंट्रामस्कुलर और सिंगल यूज कंटेनर रहते हैं उसके इंजेक्शंस के और स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं कि 9.75 पॉइंट सेवेंटी फाइव एम जी पर वन पॉइंट थ्री एम एल और सेवन पॉइंट फाइव एम जी पर एम एल रहता है फिर फ्लूफेनाजिन है उसका भी ट्वेंटी फाइव एम जी पर वन एम एल का जो इंजेक्शन अवेलेबल है और ये भी इंट्रामस्कुलर ही दिया जाता है तो ये भी इंट्रामस्क्यूलर यह भी इंट्रामर फिर यहाँ पे तीसरा आप इंजेक्शन देख सकते हैं जो है हेलो पेरीडोन डेकोस नो एट तो 50 एम पर एम और दिस इज आल्सो ए इंट्रामस्कुलर यूज और चौथा है हमारे पास पेलीपेरिडोन एंड रिसपेरिडोन तो ये सब इंजेक्शन की जो अलग अलग स्ट्रेंथ में ये सिर्फ टू एम की स्ट्रेंथ में है तो ये इंजेक्टेबल फॉर्म में भी अवेलेबल है एंटीसाइकोटिक की जब का पेशेंट ऐसी कंडीशन में कि वो टैबलेट नहीं ले सकता तो उस वक्त ये इंजेक्टेबल एंटीसाइकोटिक से भी उसके ट्रीटमेंट होती है तो ये सभी अलग अलग ऑप्शंस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ स्रीजोफेनिया तो जो फार्मारॉक्स के जो लेक्चर से उसके पी वगैरह आपको फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर मिल जाएंगे कि जो एंड्रॉय ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर एप्पल आईफोन आई फोन ऐप स्टोर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्वाइन करिए व्हाट्सएप ग्रुप एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज एंड वीडियो लेक्चर ऑन एप फार्मारॉक्स सो गुड लक एंड ऑल द बेस्ट